चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का फोर्थ की फिफ्थ टेस्ट है जिसको हम लोगों ने अब आज वाली क्लास में डिस्कस करना है। तो अब हमने मल्टीपल एंगल्स से पहले तक का काम करा। मल्टीपल एंगल्स भी शायद इस वाले टेस्ट में डाले थे इस वाले टेस्ट में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बार बार ऑब्जर्व करा कि जो मेन टास्क है वो फॉर्मूले याद होना नहीं है। सारे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि उनको ट्रिग्नोमेट्री में लगता है कि अगर हमने फॉर्मूले याद कर लिए तो हमारा काम बन गया, बाकी जाके हम एग्ज़ाम में देख लेंगे। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि फिर वो केवल देख ही पाते हैं, उनसे होता कुछ नहीं। तो जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है कि हमें क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करना है। और उसके लिए जैसे जैसे क्लास में बैलेंस बनाना सीख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड को देख के राइट हैंड साइड अप्रोच करनी है या वाइस वर्सा, या दोनों का बैलेंस बनाना है, वो समझ वो अकल एक्चुअली करके ही आती है। जैसे मैंने क्लियरली क्लास में बोला हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री और इससे पहले जो हमने प्रोग्रेशंस करा वो दोनों लर्निंग बाय डूइंग वाले टॉपिक्स हैं। कैसे टॉपिक्स हैं? लर्निंग बाय डूइंग वाले। जैसे सोचो कि किसी नई सिटी में जाओ तो वहाँ जाके हम लोग मैप लेके भी अगर घूमें तो भी हमें कई बार रोड पे जाके समझ आती है कि हाँ यहाँ से निकालो तो हमें कम टाइम लगेगा। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है इन दीज टू टॉपिक्स दैट एक्चुअली डेवलप्स बाय लर्निंग थ्रू डूइंग, वो करके ही आने। लर्निंग बाय डूइंग करोगे, अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस, तो हमारी समझ बढ़ती जाएगी। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो कि बहुत कंसेप्चुअल हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट हैं बीच बीच में, पर साथ साथ फॉर्मूले याद होने के अलावा मेन काम क्या है कि क्वेश्चंस अपने हाथ से लिख के अटेम्प्ट करो। अगर हम लोग चिप्स का पैकेट खोल के साथ में क्वेश्चंस अगर देखते रहेंगे ना एग्जाम में जाके, बस केवल वो चिप्स का पैकेट ही ढूंढ रहे होगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो उसको अटेम्प्ट करने का, एग्जाम में कर सकने का केवल एक तरीका है कि जो क्लासेस में मैंने हर क्लास के बीच में जो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं उनको अपने हाथ से अटेम्प्ट करो। पकड़ो एक ही क्वेश्चन को, टाइम स्पेंड करो, घर पे बैठे हो, टाइम सेव हो रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाने की करो। बिल्कुल सोचो कि इसीलिए क्लासेस जो मैंने बनाई हैं वो लंबी बनाई हैं, क्लास के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके बाद असाइनमेंट है, वो कंप्लीट करो। जब असाइनमेंट कंप्लीट करते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस बनता है कि हमें वो टॉपिक आता है, फिर असाइनमेंट की डिस्कशन आती है, फिर अल्टीमेटली टेस्ट आता है। तो टेस्ट देने के से बचने वाले रास्ते में मत चलना, बस इस चक्कर में अपना काम खराब करोगे, उस रूट पे मत चलना। चलो जो आज की डिस्कशन है ये ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ टेस्ट था, शायद फोर्थ टेस्ट है या वॉट एवर, बट द इंपॉर्टेंट टास्क इज दिस कि हमें समझ में आ जाए कि इसमें करना क्या है। तो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का टेस्ट, जिसमें हमने मल्टीपल एंगल्स तक की बात कर ली है। मतलब हमें डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हमें सिंपली साइन 2a, टैन 2a, कॉस 2a, वो अच्छी तरह याद हैं। याद होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें समझ में आ जाए कि उनको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग वही मेन काम है। तो उनको अब एक एक क्वेश्चन के थ्रू देखना शुरू करते हैं, और बहुत सिंपल था पर चलो देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के टर्म में हमें दिया क्या गया, हमें कहा गया कि अगर टैन बीटा बराबर है कॉस थीटा इंटू टैन अल्फा के, चलो बड़ी खुशी हुई सुन के। तो हमने प्रूव करना था कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा बाय टू इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। तो मेन काम ही क्या होता है कि हम ये कनेक्शन डेवलप कर सकें कि जो हमें प्रूव करने को कहा गया है उसके लिए डायरेक्शन क्या पकड़ें। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल यही सीखो, क्वेश्चन तो चेंज होते रहेंगे, बहुत सारे आते रहेंगे। तो अब मुझे दिखा कि साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, ये कहीं से कोई कनेक्शन बनता होगा, मतलब अल्फा बीटा को रखना है साथ। तो अब अगर मैं इसको लिख लूँ टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा, ये हमें गिवन है कि ये बराबर है कॉस थीटा के। और अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, दोनों साइड अप्लाई करा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो और फ़ायदा हो जाएगा। मान लो मैंने कर दिया तो दिस बिकम साइन बीटा एंड कॉस अल्फा आ जाएगा नीचे से अपॉन कॉस बीटा साइन अल्फा, ये बराबर है कॉस थीटा अपॉन वन के। अब मैंने करा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो विच स्टेट्स की डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, ऐसा इधर भी करा और ऐसा ही इधर भी करा। तो इधर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर करके बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा विच इज साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसे ही नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाता है टैन स्क्वायर थीटा बाय। डायरेक्टली जो हमें प्रूव करने को कहा गया था वो इन अ मिनट प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस मेन काम क्या था कि हम इसको राइट तरीके से एग्जीक्यूट कर दें जो हम लोगों ने बात सीखी हुई है।
अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, ये अब सेकंड क्वेश्चन था, हमें दिया गया कि इफ एन एंगल थीटा इज डिवाइडेड बिटवीन इनटू टू पार्ट सच दैट द टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज एम टाइम्स द टेंजेंट ऑफ द अदर पार्ट। तो थीटा मान लो कि अगर ए प्लस बी है, तो हमें दिया हुआ है कि टैन बी जो है वो एम टाइम्स ऑफ टैन ए है। हमें गिवन है कि एंगल थीटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करा, तो उन दोनों पार्ट्स का नाम मैंने मिला के रख लिया ए और बी। ये थीटा है तो ये ए है, ये बी है, और ए प्लस बी मिला के कितना हो गया थीटा। हमें ये इतनी इतनी बात गिवन थी। टैन बी हमें गिवन है कि एम टाइम्स ऑफ टैन ए है। अब बोला क्या प्रूव करने को, एंड डिफरेंस इज फाई, इसका मतलब जो ए माइनस बी है दैट इज फाई, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या दिया गया इसके बाद कि प्रूव दैट साइन फाई, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी, हमने प्रूव क्या करना है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी, ये मुझे प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या ये लिखते ही समझ में आता है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो बन गया जो हमने अभी से एक मिनट पहले करा, सेम थे। कैसे, अब अगर मान लो मैं इसी टर्म को, ये तो गिवन है ना, टैन बी अपॉन टैन ए ये बराबर है एम के, एम अपॉन वन के। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, डायरेक्टली टैन बी को लिख दिया साइन बी अपॉन कॉस बी, टैन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने एक मिनट पहले करा था। तो ये इतना सिंपल था, और टेस्ट में भी इसको बिल्कुल ऐसे ही करना था, दो मिनट के अंदर सॉल्व, बहुत सिंपल था। पर चलो, अगर ब्लॉक हुए हो तो इसको नोटिस करना कि जो आपको, आप लोगों को टेस्ट मैंने एक घंटे में करने को दिया है वो 15 मिनट का होता है, पर अभी राइट करो। अभी मेन काम क्या है कि हमें राइट तरीके से क्वेश्चंस को करना आ जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्पीड अभी ग्रेजुअली स्पीड बनाओ, पर और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे क्वेश्चंस हो जाएं, हमसे सॉल्व होने चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें, अब हमें गिवन है कि ये साइन की थ्री टर्म्स y प्लस जेड माइनस एक्स, ये तीनों कैसे गिवन है ए पी में, तो प्रूव दैट टैन एक्स टैन वाई टैन जेड आर इन ए पी। अब मेरा काम क्या होगा इस क्वेश्चन में कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये कनेक्शन बन सके, मतलब इनके बीच की टर्म का आपस में कनेक्शन बन सके। तो अगर थ्री टर्म्स अगर एपी में होती हैं तो या तो हम लोग कहते हैं टू बी बराबर ए प्लस सी के, या फिर बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि मुझे ये रूट अडॉप्ट करना चाहिए ताकि कि इनके डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं, ताकि कि अल्टीमेटली टैन एक्स टैन वाई टैन जेड के बन सकने की पॉसिबिलिटी बने। तो वो करने के लिए क्या करा कि इट इज़ गिवन दैट साइन z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ये हमें गिवन है, ये गिवन है। अगर टर्म्स अगर ए पी में तो ये हमें गिवन है। अब सिंपली ये क्या बन गया, साइन c माइनस साइन d विच इज टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो दिस माइनस दिस जैसे ही करेंगे तो हमें विजिबल है कि क्या होगा, जेड जेड कैंसिल हो गया, और सिंपली साइन सी माइनस डी बाई टू जेड जेड कैंसिल, एंड दिस वुड गिव अस सिंपली सी माइनस डी विच वुड बी टू एक्स माइनस टू वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई इन टू कॉस दिस प्लस दिस बाई टू विच इज कॉस जेड। ये बराबर आ गया सिंपली साइन सी माइनस डी बाई टू विच इज़ टू साइन दिस माइनस दिस। जैसे दिस माइनस दिस हमने करा वो आ जाएगा साइन माइनस जेड इन टू कॉस दिस दिस प्लस दिस विच वुड बी गिविंग अस एक्स। यहाँ से सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक करे जाने पे दिस वुड बी गिविंग अस माइनस जेड, एंड यहाँ से वाई माइनस जेड आ जाएगा। इनफैक्ट दिस वुड बी वाई माइनस एड साइन वाई माइनस एड, एंड दिस माइनस दिस करने पे आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये दोनों हो गए कैंसिल और हमें ये टर्म मिल गई कि साइन एक्स माइनस वाई कॉस जेड बराबर है साइन वाई माइनस जेड इन टू कॉस एक्स के। पर जो मुझे प्रूव करना है वो तो टैन एक्स टैन वाई टैन जेड है, मतलब मुझे अब साइन साइन से साइन कॉस से टैन में जाना है। तो अब मैं सिंपली इसको अगर एक्सपैंड कर दूँ, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इन टू कॉस जेड, ये बराबर है साइन वाई कॉस जेड माइनस कॉस वाई साइन जेड इन टू कॉस एक्स के। और अब दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूँ कॉस एक्स इन टू कॉस वाई इन टू कॉस जेड से, इससे मान लो मैंने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया। जैसे ही ये करा ये विजिबल है कि इस साइड पे कॉस जेड कैंसिल हो गया,
ये इसके नीचे जैसे ही cos x cos y लिखोगे तो ये बन जाएगा tan x, और यहाँ आ जाएगा सिंपली डिवाइड होते ही tan y, ये बराबर है tan y माइनस tan z के, हेंस tan x tan y tan z आर एन ए पी, और उसको हमने प्रूव कर दिया। पर इसका सिस्टम नोट करो कि इसको डील कैसे करते, और बड़ा स्मूथ क्वेश्चन था, तो अगर ब्लॉक हुए तो ये होना चाहिए था। ये कई बार हमने क्लास में करा हुआ है क्वेश्चन, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम जानते हैं कि इसको ब्रेक कैसे करें, पर इसका पैटर्न क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इसको तोड़ने के लिए हमने एंट्री कहां से करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन के टर्म में हमें दिया क्या गया, हमें कहा गया कि अगर टैन बीटा बराबर है कॉस थीटा इंटू टैन अल्फा के, चलो बड़ी खुशी हुई सुन के, तो हमने प्रूव करना था कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा बाय टू इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। तो मेन काम ही क्या होता है कि हम ये कनेक्शन डेवलप कर सकें कि जो हमें प्रूव करने को कहा गया है उसके लिए डायरेक्शन क्या पकड़ें। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल यही सीखो, क्वेश्चन तो चेंज होते रहेंगे, बहुत सारे आते रहेंगे। तो अब मुझे दिखा कि साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, ये कहीं से कोई कनेक्शन बनता होगा, मतलब अल्फा बीटा को रखना है साथ। तो अब अगर मैं इसको लिख लूँ टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा, ये हमें गिवन है कि ये बराबर है कॉस थीटा के, और अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, दोनों साइड अप्लाई करा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है साइन कॉस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो और फायदा हो जाएगा, मान लो मैंने कर दिया, तो दिस बिकम साइन बीटा एंड कॉस अल्फा आ जाएगा नीचे से अपॉन कॉस बीटा साइन अल्फा, ये बराबर है कॉस थीटा अपॉन वन के। अब मैंने करा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो विच स्टेट्स कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, ऐसा इधर भी करा और ऐसा ही इधर भी करा, तो इधर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर करके बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा विच इज साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसे ही नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाता है टैन स्क्वायर थीटा बाय टू। डायरेक्टली जो हमें प्रूव करने को कहा गया था वो इन अ मिनट प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस मेन काम क्या था कि हम इसको राइट तरीके से एग्जीक्यूट कर दें जो हम लोगों ने बात सीखी हुई है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, ये अब सेकंड क्वेश्चन था, हमें दिया गया कि इफ एन एंगल थीटा इज डिवाइडेड बिटवीन इनटू टू पार्ट सच दैट द टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज एम टाइम्स द टेंजेंट ऑफ द अदर पार्ट। तो थीटा मान लो कि अगर ए प्लस बी है, तो हमें दिया हुआ है कि टैन बी जो है वो एम टाइम्स ऑफ टैन ए है, हमें गिवन है कि एंगल थीटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करा, तो उन दोनों पार्ट्स का नाम मैंने मिला के रख लिया ए और बी, ये थीटा है तो ये ए है ये बी है, और ए प्लस बी मिला के कितना हो गया थीटा, हमें ये इतनी बात गिवन थी। टैन बी हमें गिवन है कि एम टाइम्स ऑफ टैन ए है। अब बोला क्या प्रूव करने को, एंड डिफरेंस इज फाई, इसका मतलब जो ए माइनस बी है दैट इज फाई, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या दिया गया इसके बाद कि प्रूव दैट साइन फाई, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी, हमने प्रूव क्या करना है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी, ये मुझे प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या ये लिखते ही समझ में आता है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो बन गया जो हमने अभी से एक मिनट पहले करा, सेम थे। कैसे, अब अगर मान लो मैं इसी टर्म को, ये तो गिवन है ना, टैन बी अपॉन टैन ए ये बराबर है एम के, एम अपॉन वन के, अब यहाँ पर अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, डायरेक्टली टैन बी को लिख दिया साइन बी अपॉन कॉस बी, टैन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने एक मिनट पहले करा था। तो ये इतना सिंपल था, और टेस्ट में भी इसको बिल्कुल ऐसे ही करना था, दो मिनट के अंदर सॉल्व, बहुत सिंपल था। पर चलो अगर ब्लॉक हुए हो तो इसको नोटिस करना कि जो आपको आप लोगों को टेस्ट मैंने एक घंटे में करने को दिया है वो 15 मिनट का होता है, पर अभी राइट करो। अभी मेन काम क्या है कि हमें राइट तरीके से क्वेश्चंस को करना आ जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्पीड अभी ग्रेजुअली स्पीड बनाओ, पर और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे क्वेश्चंस हो जाएं, हमसे सॉल्व होने चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये साइन की थ्री टर्म्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये तीनों कैसे गिवन है ए पी में, तो प्रूव दैट टैन एक्स टैन वाई टैन जेड आर इन ए पी। तो अब मेरा काम क्या होगा इस क्वेश्चन में कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये कनेक्शन बन सके, मतलब इनके बीच की टर्म का आपस में कनेक्शन बन सके। तो अगर थ्री टर्म्स अगर ए पी में होती हैं तो या तो हम लोग कहते हैं टू बी बराबर है ए प्लस सी के, या फिर बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि मुझे ये रूट अडॉप्ट करना चाहिए ताकि कि इनके डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं।
ताकि कि अल्टीमेटली tan x tan y tan z के बन सकने की पॉसिबिलिटी बने. तो वो करने के लिए क्या करा कि इट इज़ गिवन दैट साइन z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई. ये हमें गिवन है, ये गिवन है. अगर टर्म्स अगर एपी में तो ये हमें गिवन है. अब सिंपली ये क्या बन गया, साइन सी माइनस साइन डी विच इज़ टू साइन सी माइनस डी बाई टू. तो दिस माइनस दिस जैसे ही करेंगे तो हमें विजिबल है कि क्या होगा, जेड जेड कैंसिल हो गया और सिंपली साइन सी माइनस डी बाई टू जेड जेड कैंसिल एंड दिस वुड गिव अस सिंपली सी माइनस डी विच वुड बी टू एक्स माइनस टू वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई इंटू कॉस दिस प्लस दिस बाई टू विच इज कॉस जेड. ये बराबर आ गया सिंपली साइन सी माइनस डी बाई टू विच इज टू साइन दिस माइनस दिस. जैसे दिस माइनस दिस हमने करा वो आ जाएगा साइन माइनस जेड इंटू कॉस दिस दिस प्लस दिस विच वुड बी गिविंग अस एक्स. यहाँ से सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक करे जाने पे दिस वुड बी गिविंग अस माइनस जेड एंड यहाँ से वाई माइनस जेड आ जाएगा. इनफैक्ट दिस वुड बी वाई माइनस जेड साइन वाई माइनस जेड एंड दिस माइनस दिस करने पे आ जाएगा कॉस एक्स. तो ये दोनों हो गए कैंसिल और हमें ये टर्म मिल गई कि साइन एक्स माइनस वाई कॉस जेड बराबर है साइन वाई माइनस जेड इंटू कॉस एक्स के. पर जो मुझे प्रूव करना है वो तो टैन एक्स टैन वाई टैन जेड है. मतलब मुझे अब साइन से साइन कॉस से टैन में जाना है. तो अब मैं सिंपली इसको अगर एक्सपैंड कर दूँ साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इंटू कॉस जेड ये बराबर है साइन वाई कॉस जेड माइनस कॉस वाई साइन जेड इंटू कॉस एक्स के. और अब दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस जेड से. इससे मान लो मैंने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया. जैसे ही ये करा ये विजिबल है कि इस साइड पे कॉस जेड कैंसिल हो गया. ये इसके नीचे जैसे ही कॉस एक्स कॉस वाई लिखोगे तो ये बन जाएगा टैन एक्स और यहाँ आ जाएगा सिंपली डिवाइड होते ही टैन वाई. ये बराबर है टैन वाई माइनस टैन जेड के. हेंस टैन एक्स टैन वाई टैन जेड आर इन ए पी और उसको हमने प्रूव कर दिया. पर इसका सिस्टम नोट करो कि इसको डील कैसे करते और बड़ा स्मूथ क्वेश्चन था तो अगर ब्लॉक हुए तो ये होना चाहिए था. ये कई बार हमने क्लास में करा हुआ है क्वेश्चन. इसकी अंडरस्टैंडिंग हम जानते हैं कि इसको ब्रेक कैसे करें पर इसका पैटर्न क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इसको तोड़ने के लिए हमने एंट्री कहाँ से करनी है. अब देखो ये क्वेश्चन हमारा करा हुआ होता है पर मेन काम क्या है कि हमने एग्जैक्टली जो हमें बनाने को कहा गया है वो बनाना है. तो हमारा काम क्या था कि cot 7.5 डिग्री को हम प्रूव करें कि वो इस गिवन एक्सप्रेशन के बराबर है. तो हम सोचें कैसे, दैट वाज द मेन टास्क कि इसके बराबर बने. तो cot 7.5 डिग्री वॉज cos 7.5 डिग्री अपॉन sin 7.5 डिग्री. अब इसको आगे तोड़ने के लिए क्या करें, तो अगर मान लो कि मैं इसको cos 7.5 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा नीचे cos थीटा sin थीटा आ गया. क्यों कर रहे हैं, ताकि कि हमारा फॉर्मूला बनने की तरफ ओरिएंटेशन बने. 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा. तो ये आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा cos 15 डिग्री अपॉन नीचे sin 15 डिग्री. अब बेकार था इसके बाद. sin 15 डिग्री हमें क्लेरिटी है कि sin 45 माइनस 30 है. इसको पढ़ लें 45 माइनस 30 और sin 45 माइनस 30 को एक्सपैंड कर दें विच वुड बी sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30 sin 30 1 बाई टू और ऊपर सिंपली 1 प्लस cos 15 डिग्री वो हमें आता है. cos 15 डिग्री कितना हो गया, 45 माइनस 30 की तरह एक्सपैंड करो बिल्कुल सेम तरीके से वो आ जाएगा cos 45 cos 30 विच इज़ 1 बाय रूट 3 बाई टू प्लस sin 45 sin 30 sin 30 इज़ 1 बाय टू. ये बन जाती है एक्सप्रेशन. तो सिंपली इसका एलसीएम लोगे डायरेक्टली एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन बनने लग जाएगी. उसका सिंपली जो उसका डिनोमिनेटर बना हमारे पास टर्म आ जाएगी. एलसीएम लेते ही 2√2 प्लस रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1. इसके डिनोमिनेटर को करो रैशनलाइज और ऊपर ले जाके टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आंसर आ गया. दिस वॉज वेरी सिंपल पर टेस्ट में भी होना चाहिए था ये क्वेश्चन. और इस तरह के बहुत सारे हमने करे हुए हैं
इनको ब्रेक करने में हमने क्लास में कई बार सुना है कि इनको अप्रोच कैसे करते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो अप्रोच हमारी करेक्ट बनी होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को देखते ही क्लिक करना चाहिए कि अप्रोच ये होगी हमारी। क्या है वो अप्रोच? एक तरीका इन क्वेश्चंस को ब्रेक करने का ये होता है कि ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हो या कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी हो, उसको तोड़ पाने का एक तरीका ये होता है कि सिंपली यहाँ पे साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर बी को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। उसका बेनिफिट क्या हो जाता है कि फिर वहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है और उससे हेल्प हो जाती है। नहीं तो कई बच्चे इसी क्वेश्चन को अलग तरीक़ों से भी करते हैं, वो भी सही है। चलो अब अगर मान लो इसको हम लोग अलग अलग रूट से अगर मान लो ब्रेक करें, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू, सिंपली अगर 2 के साथ मान लो मैं यहाँ पे अगर इनके साथ अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो 2 हट गया, माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कितना हो गया कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा कॉस ए माइनस बी ही माइनस कॉस ए प्लस बी, दैट वुड बी इन दिस केस 2 थीटा प्लस ए प्लस बी। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। तो एक टर्म तो क्या आ गई, सिंपली मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस कॉस 2 ए 2 थीटा प्लस ए प्लस बी, ये बनी मेरी टर्म। तो अब इसके बाद भी अलग अलग तरीके थे बोलने के, पर इसमें एक बड़ा क्लियर रूट क्या था कि मान लो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी को मैं पढ़ लूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी, तो मेरे पास टर्म आ जाती 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ये तो मिला के बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस ब्रैकेट के अंदर नोटिस करो वो बन जाता कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए। सिंपली माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाता, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए, और आगे ये टर्म तो आगे माइनस हो ही रही है। अब इन दोनों में अगर फॉर्मूला अप्लाई करो ये बन जाता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वो क्या हो जाता है कॉस ए प्लस बी विच इज़ कॉस 2 थीटा प्लस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी डायरेक्टली क्या बन जाता दैट वुड बी कॉस सिंपली कॉस ए माइनस बी। तो जो टर्म बनी यहाँ पे कॉस ए माइनस बी भी इसके साथ है, तो हमें विजिबल है कि जो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये प्लस है, ये वाला और ये टर्म तो हो जाती है आपस में कैंसिल, अकेला साइन स्क्वायर ए माइनस बी बच गया। तो इस क्वेश्चन को कर सकने के इसके अलावा भी तरीके हैं। कई बच्चे इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 2 ए बाय 2 ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करके उन दोनों में सी डी फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं, वो भी सही है। अगर किसी ने उस रूट से भी करा वो भी सही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, क्लेरिटी लेकिन होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमारा सभी करे हुए क्वेश्चन हैं, पर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि क्यूब वाली टर्म को हम ब्रेक कैसे करें। अब हमने क्लियरली देखा था कि क्यूब वाली टर्म को हटाने के लिए साइन क्यूब या कॉस क्यूब में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉस 3 थीटा वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली कॉस 3 थीटा वुड बी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, वहाँ से कॉस क्यूब थीटा कितना आ जाता कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4। तो ये पहली टर्म बन गई कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4। नेक्स्ट आ गई कॉस 3 टाइम्स ऑफ 120 प्लस थीटा विच इज़ कॉस 360 प्लस 3 थीटा विच इज़ कॉस 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस 120 प्लस थीटा बाय 4। ऐसे नेक्स्ट कॉस 3 टाइम्स ऑफ 240 प्लस थीटा, हर बार मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ इसी अंडरस्टैंडिंग का। तो 3 टाइम्स ऑफ 240 प्लस 3 थीटा वुड बी कॉस 720 प्लस 3 थीटा, 720 होता है 4 पाई, तो 4 पाई प्लस 3 थीटा का सेम आंसर आता, तो दिस वुड बी अगेन कॉस 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस 240 प्लस थीटा होल डिवाइडेड बाय 4, 1 बाय 4 पूरे के बाहर। तो ये क्वेश्चन ये बन जाता कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा, तो 3 टाइम्स कॉस 3 थीटा बाय 4 प्लस 1 बाय 4 टाइम्स ऑफ और 3 बाय 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा कॉस 120 प्लस थीटा प्लस कॉस 240 प्लस थीटा। अब क्या बेकार है, देखो पता है जब प्रूव ही यही करना है इसका मतलब इसने पक्का जीरो हो जाना है। कैसे जीरो करोगे प्रूव, कॉस थीटा को पढ़े रहने दो, इन दोनों में सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली ये माइनस कॉस थीटा आ जाता है, इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये प्रूव हो गया।
तो ये क्वेश्चन भी इजी था, पर स्कूल के एग्जाम में भी ऐसे के क्वेश्चंस ही फेस करोगे, वो राइट तरीके से हमें बोलने आने चाहिए, तो उसी के लिए हमने मोमेंटम बनाया है। ये क्वेश्चन भी क्लियरली जो हम लोगों ने फॉर्मूले वॉर्मूले याद करे उसी का इम्प्लीमेंटेशन था, और हम जानते थे कि इसको डील करने के लिए हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से यूज़ करना है। पर चलो टेस्ट में डाला है तो देख लेते हैं, पर अदरवाइज़ हमें ये अच्छी तरह समझ थी कि इसको ब्रेक करने के लिए हमने बोलना सोचना है कैसे कैसे। बहुत तरीके थे, साइन 30 डिग्रीज तो चलो 1/2 ही, उसको बाहर ही रखो। इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। डायरेक्टली देखो अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये 2 तो बाहर आ गया तो ये हो गया 1/4। अब इसमें 2 साइन ए साइन बी अगर मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ, तो 2 साइन ए साइन बी अप्लाई करने पे दिस वुड बिकम कॉस ए माइनस बी विच इज़ कॉस माइनस 40 डिग्री विच इज़ कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी विच इज़ कॉस 60 डिग्री और साथ में साइन 70 डिग्री। ये बनी एक्सप्रेशन, ये आ गया 1/4 कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री विच इज़ वॉट 1/2 इंटू साइन 70 डिग्री। ये बन गई एक्सप्रेशन। अब सिंपली अगर मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर लें, ये आ जाता 1/4 हाफ ऑफ 2 साइन ए कॉस बी, पढ़ लेते हैं वो आ जाएगा साइन ए प्लस बी साइन 110 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी साइन 30 डिग्री माइनस हाफ ऑफ साइन 70 डिग्री। ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब ये पहली टर्म क्या बनी, हाफ ऑफ साइन 110 डिग्री। जो साइन 110 डिग्री है वो हमें क्लियरली समझ में आता है कि वो वही है जो कि साइन 70 डिग्री है, तो ये भी हाफ साइन साइन 70 डिग्री, आगे भी वही, तो दोनों चले गए कैंसिल हो गए। क्या बचा, हाफ इंटू साइन 30 विच इज अगेन हाफ, तो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, एक 1/4 पहले से बाहर है तो 1/16 मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी डील करने का तरीका देखो, पता है इसमें नोटिस करो कि जब इन क्वेश्चंस को अब जब मैंने क्लास में करवाया तो स्लोली स्लोली हमने करा, जब टेस्ट में अब इनको जब मैं डिस्कस करवा रहा हूँ तो इसमें नोटिस करो कि इनको डील करते समय एक्चुअली मेरा रिदम कितना फास्ट है, और अभी भी मैं स्लो बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत तेज़ हो जाते हैं, बहुत तेज़ हो जाते हैं, पर होते कब है, जब आपका ऐसे हाथ चलने लग जाता है, और वो कब चलता है, जब क्वेश्चंस को अपने हाथ से लिख के अटेम्प्ट करते हो। जैसे पता है गलती क्या होती है, जैसे अभी हम देखते हैं, हम इवन यूट्यूब पे बच्चे देखते हैं या कई प्लेटफॉर्म्स मैंने देखा है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आना बिना अपने हाथ से क्वेश्चन निकाले। देखो जैसे मतलब ये अब आपका काम है, इसमें आप लोग यहाँ पे आप लोग मज़े लेने नहीं आए, आप लोगों का ये टास्क है, ये आप लोगों की लाइफ का इस समय पर्पज़ है कि मतलब द गोल इज़ टू एक्चुअली मेक द बल्ब ऑफ आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टू एक्चुअली अल्टीमेटली शाइन विद इन यू। आपके अंदर वो लाइट निकलनी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम को तोड़ते कैसे। तो मैथ्स को समझो कि बिल्कुल को समझो कि बिल्कुल ही एक तरह से मौका दे रही है कि हमें वो अंडरस्टैंडिंग हम लोग अपने आप कर सकने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी बन जाए, तो ये सोच के करो। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड, उन सब में मार्क्स आते हैं, वो सब बहुत छोटी बातें हैं। बोर्ड में फुल मार्क्स बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर होते हैं, पर उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बने बिल्कुल सही तरीके से, वो बन जाती है। पर हमने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, क्लासेस भी अटेंड करनी है, असाइनमेंट भी खुद कंप्लीट करनी है और टेस्ट भी देना है, तो बनेगा हमारा राइट रिदम। चलो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट को और ज़्यादा जोर लगा के तैयार करके दो। ऑल द बेस्ट।